हाय एवरीवन, माय नेम इज़ सारा। आज का हमारा लेक्चर है क्लेरर्स थ्योरम के ऊपर। क्लेरर्स थ्योरम क्या होता है मैं आपको बताऊंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी कि उसको वेरीफाई किस तरह करेंगे और ये किसकी एप्लीकेशन है। क्लेरर्स थ्योरम मैं क्योंकि कैलकुलस 3 की आउटलाइन कंप्लीट करवा रही हूँ, उसके अंदर हम पार्शियल डेरीवेटिव के टॉपिक पे हैं। पार्शियल डेरीवेटिव से रिलेटेड मैंने आपको अभी तक उसकी इंटरप्रिटेशन करवाई हैं, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव करवाएं, हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव करवाएं, वो सारी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन की हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो आप देखें, फिर आपको क्लेरर्स थ्योरम भी समझ में आएगा। तो आज हम करेंगे अपने इस आर्टिकल में क्लेरर्स थ्योरम। क्लेरर्स थ्योरम में हम टी को प्रोनाउंस नहीं करते, हम क्लेरो पढ़ते हैं। क्लेरो थ्योरम, क्लेरो थ्योरम कहता क्या है हमें, क्लेरो थ्योरम की स्टेटमेंट सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे लिखती हूँ। क्लेरो थ्योरम हमें क्या स्टेट करता है, मिक्स्ड वेरिएबल पार्शियल डेरिवेटिव्स आर इक्वल इफ एफ एक्स एंड एफ वाई एक्स आर बोथ डिफाइंड एंड कंटिन्यूस इन ए रीजन कंटेनिंग द पॉइंट, लेट्स सपोज ए बी हमारा पॉइंट है, देन एफ एक्स वाई ए बी एफ वाई एक्स ए बी इक्वल होंगे। अब मैं आपको इसकी स्टेटमेंट लिख तो दी मैंने, अगर क्वेश्चन पेपर में 2 नंबर का आपको आ जाए जस्ट कि डिफाइन क्लेरर्स थ्योरम, तो आपने ये स्टेटमेंट लिखनी है कि क्लेरर्स थ्योरम हमें क्या कहता है कि मिक्स्ड वेरिएबल पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल होते हैं। मिक्स्ड का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था जो सेकेंड पार्शियल डेरीवेटिव होते हैं उनमें मैंने आपको बताया था 4 डेरीवेटिव होते हैं, एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई एफ एक्स वाई एफ वाई एक्स। इस दोनों के अंदर x भी आ रहा है y भी आ रहा है, इनको हम कहते हैं मिक्स्ड वेरिएबल पार्शियल डेरिवेटिव। तो अगर उसने ये बात की है कि जो ये दो वेरिएबल होते हैं यानी दो ये पार्शियल डेरिवेटिव होते हैं, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, लेकिन कब, अगर एफ एक्स वाई एफ वाई एक्स दोनों ही डिफाइंड हो और दोनों ही कॉन्टीन्यूस हों किसी रीजन के अंदर, रीजन ऐसा जिसमें कोई ना कोई पॉइंट लाई कर रहा हो, लेट्स सपोज वो पॉइंट है ए एंड बी। अगर तो एफ एक्स वाई एफ वाई एक्स दोनों डिफाइंड भी हैं कॉन्टीन्यूस भी, यानी हमें अनडिफाइंड नहीं हो रहे, अनकॉन्टीन्यूस नहीं हो रहे, अनडिफाइंड भी नहीं है और कॉन्टीन्यूटी भी उनकी एग्जिस्ट कर रही है, यानी उसके अंदर कोई गैप नहीं आ रहा अगर हम ड्रॉ करें लाइन, जिस भी रीजन में जो भी पॉइंट पे होंगे, तो अगर उस रीजन में कोई पॉइंट ए बी है, तो अगर हम एफ एक्स वाई ए बी पे निकालते हैं और एफ वाई एक्स ए बी पे निकालते हैं, तो दोनों का ही आंसर सेम आएगा। अब ये था थ्योरम, मैंने आपको बता दिया थ्योरम क्या। अब ये थ्योरम किस चीज़ पे बना है, ये थ्योरम बना है सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव पे। सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव में जो मिक्स्ड वेरिएबल पार्शियल डेरिवेटिव थे उनके ऊपर हमने ये क्लेरर्स थ्योरम बनाया, तो हम कह सकते हैं कि ये सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव का एक रिजल्ट है। तो क्लेरर्स थ्योरम, अगर आपको क्वेश्चन पेपर ये पूछा जाए कि सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव का रिजल्ट कौन सा थ्योरम है, तो आप वो भी बता सकते हैं कि क्लेरर्स थ्योरम सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव का रिजल्ट है जो हमें ये कहता है। अब हम करेंगे कि क्वेश्चन इससे रिलेटेड एग्जामिनेशन पॉइंट में जो क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड वो क्या होगा और आपने किस तरह उसको सॉल्व करना है। आपको एग्जाम में ये कहा जाएगा वेरीफाई क्लेरर्स थ्योरम फॉर एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स ई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। कोई भी आपको फंक्शन दे दिया जाएगा और उसके लिए कहा जाएगा कि वेरीफाई करें क्लेरर्स थ्योरम, आपको क्लेरर्स थ्योरम की स्टेटमेंट नहीं दी जाएगी, स्टेटमेंट आपने खुद याद रखनी है। इस थ्योरम को आपने खुद जुबानी याद रखना है कि ये थ्योरम हमें क्या कह रहा है।
इस थ्योरम में इसकी स्टेटमेंट क्या है कि एफ एक्स वाई ए बी एफ वाई एक्स ए बी इक्वल होना चाहिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन देके कह दिया जाए कि इसके ऊपर इस थ्योरम को वेरीफाई करें, तो आपके माइंड में फ़ौरन आना चाहिए कि आपने क्या निकालना है, एफ एक्स वाई निकालना है, एफ वाई एक्स निकालना है। अगर कोई पॉइंट मेंशन है तो वो पॉइंट एंड पे पुट करना है। यहाँ इस क्वेश्चन में कोई पॉइंट मेंशन नहीं है, तो आपने जस्ट एफ एक्स वाई एफ वाई एक्स निकालना है और देखना है क्या आंसर इक्वल है। अगर तो इक्वल है तो ये थ्योरम वेरीफाई हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। हमें एफ एक्स वाई निकालने से पहले और एफ वाई एक्स निकालने से पहले एफ एक्स और एफ वाई चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी नीड टू पार्शियल डेरिवेटिव्स। फर्स्टली हमें ये डेरिवेटिव्स चाहिए, कौन से, एफ ऑफ एक्स चाहिए, जिसका मतलब है पार्शियल पार्शियल एक्स इस फंक्शन का। एक्स के अकॉर्डिंग ले रहे हैं तो यहाँ पे जहाँ जहाँ एक्स होगा वो हमारा वेरिएबल होगा और जहाँ जहाँ वाई होगा वो हमारा कांस्टेंट होगा। यहाँ पे अगर देखें तो एक एक्स है और एक ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यानी प्रोडक्ट आ रही है। तो हमें पता है डेरिवेटिव में प्रोडक्ट रूल किस तरह लगता है, एक्स एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। एक्स को इधर हमने एज इट इज़ रख लिया। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, ई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अगेन इस माइनस ई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो वो आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर टू एक्स, क्योंकि हम एक्स के अकॉर्डिंग ले रहे हैं। सेकेंड हम एज इट इज़ लिख देंगे, एक्स का वेरिएबल एक्स का डेरिवेटिव वन हो जाएगा, तो हम ऐसे लिख देंगे। हम उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स इंटू दिस एक्स, एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये वाला माइनस साइन प्लस ई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स। हमें सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए एफ ऑफ वाई, तो हम वो भी निकाल लेते हैं। वाई के अकॉर्डिंग एक्स कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, सिर्फ इस फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एज इट इज़, और अगेन इस फंक्शन का वाई के अकॉर्डिंग जब हम लेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर टू वाई आ जाएगा। तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब वाई ई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ वाई। हमें एफ एक्स एफ वाई नहीं चाहिए था, हमें चाहिए एफ एक्स वाई एफ वाई एक्स। हमें इन दोनों के आंसर्स को इक्वल करना है, तो हम पहले निकालेंगे एफ एक्स वाई, सेकेंड हमारे जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं। पार्शियल डेरिवेटिव्स एफ एक्स वाई, इसका मतलब क्या होगा, पार्शियल पार्शियल वाई लेना है किसका, एफ ऑफ एक्स का। पार्शियल ओवर पार्शियल वाई, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे लिख देते हैं। एफ ऑफ एक्स की हमारे पास वैल्यू आई थी ये, हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। वाई के अकॉर्डिंग अगर हम ले रहे हैं तो हमें पता है कि माइनस टू एक्स स्क्वायर ये तो कांस्टेंट है, तो हमारे पास वेरिएबल जो टर्म्स हैं ये दो हैं, इन दोनों का भी प्रोडक्ट हो रहा है, तो इसको कांस्टेंट को हम एज इट इज़ लिखेंगे और सिर्फ डेरिवेटिव लेंगे इन दोनों का। ये दो टर्म्स हैं तो इस पे हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा, फर्स्ट एज इट इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ये हो गया सिर्फ इस टर्म का,
अब हमने इस टर्म का भी लेना है, इसमें भी वाई है, तो यहाँ पे हम जस्ट ऐसे लिख देंगे, इसको हम करेंगे सॉल्व। देखने में लगेगा कि थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बहुत ही आसान है जब हम सॉल्व करते हैं। वाई स्क्वेयर, जब हम इस टर्म का लेंगे तो हमें पता है कि क्या आएगा, ई माइनस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, अगेन इस टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वेयर टू वाई, यहाँ पे आ जाएगा ई माइनस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर इंटू टू वाई, और यहाँ पे आ जाएगा ई माइनस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, अगेन इस टर्म का डेरिवेटिव माइनस एक्स स्क्वेयर टू वाई। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। सिमिलरली अगर हम माइनस टू एक्स स्क्वेयर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस टू इंटू टू फोर एक्स स्क्वेयर वाई ई माइनस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, यहाँ पे आ जाएगा माइनस टू एक्स स्क्वेयर वाई ई माइनस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। ये दोनों टर्म सेम हैं तो हम इन दोनों को आपस में ऐड करवा देंगे, माइनस इंटू माइनस माइनस सिक्स एक्स स्क्वेयर वाई ई माइनस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, तो ये हमारे पास आ जाएगा एफ एक्स वाई, इसको हम ए का नाम दे देते हैं। अब हमें चाहिए एफ वाई एक्स। एफ वाई एक्स कैसे निकालेंगे, पार्शियल पार्शियल एक्स इंटू एफ ऑफ वाई का हम ले लेंगे। एफ ऑफ वाई हमारे पास क्या है, एफ ऑफ वाई हमारे पास ये टर्म है, तो इसका हम यहाँ पे लिखेंगे पार्शियल ऑफ पार्शियल एक्स इंटू एफ ऑफ वाई माइनस एक्स क्यू वाई ई माइनस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। अब हमने इसका लेना है डेरिवेटिव, यहाँ पे टू बी आता है जो मैंने नहीं लिखा, जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया था यहाँ पे टू बी था, तो हम यहाँ पे टू बी लिख देते हैं, तो ये हमारे पास पार्शियल ऑफ पार्शियल एक्स इस फंक्शन का आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखें एक्स के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे दो फंक्शंस बन रहे हैं, एक एक्स क्यूब और एक ये फंक्शन, तो हम क्या करेंगे, इस पूरी टर्म को कंसिडर करेंगे वन टर्म और इसको सेकेंड, या फिर आप माइनस टू वाई ले लें कॉन्स्टेंट के तौर पे कॉमन, और अंदर जो फंक्शंस हैं इनको आप इस तरह लिख के दो का प्रोडक्ट ले सकते हैं कि दो फंक्शंस का प्रोडक्ट आ रहा है, तो हम इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। जब हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो हमारे पास एक्स क्यूब एज इट इज डेरिवेटिव माइनस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर का प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, जिसको हम सॉल्व करेंगे माइनस टू वाई एक्स क्यूब, इस फंक्शन को जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो याद आएगा ई माइनस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, अगेन इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारे पता है वाई यहाँ पे क्या है कॉन्स्टेंट, तो माइनस वाई स्क्वेयर टू एक्स आ जाएगा। इस फंक्शन का लेंगे तो हमारे पास थ्री एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, माइनस टू वाई को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। अगर हम इस टर्म के साथ करवाते हैं तो माइनस इंटू माइनस प्लस टू इंटू टू फोर एक्स क्यूब इंटू एक्स एक्स क्यूब रेज टू फोर वाई इंटू वाई स्क्वेयर वाई क्यूब ई माइनस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू इंटू थ्री माइनस सिक्स एक्स स्क्वेयर वाई ई माइनस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास आ गया एफ वाई एक्स, तो इसको हम बी का नाम दे देते हैं। हमारे पास एफ एक्स वाई भी आ गया और एफ वाई एक्स भी आ गया। अगर हम कंपेयर करें कंपेयरिंग ए एंड बी, तो हमें पता चलेगा दोनों ही आंसर्स सेम है। इसकी फर्स्ट टर्म ये है, इसकी फर्स्ट टर्म ये है, इसकी सेकंड टर्म ये है, इसकी सेकंड टर्म ये है, तो दोनों आंसर सेम है। इसका मतलब एफ एक्स वाई इक्वल आ गया एफ वाई एक्स के, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं हैंस क्लोर्स थ्योरम इज़ वेरीफाइड।
तो यहाँ पे क्लोरस थ्योरम वेरीफाइड हो गया। मैं इसको फिर से समझा देती हूँ क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। क्लोरस थ्योरम हमें क्या कहता है कि अगर हमारे पास मिक्स्ड पार्शियल वेरिएबल्स हैं तो वो इक्वल होंगे अगर वो कॉन्टीन्यूस और डिफाइंड हो रहे हैं। अगर आपको वेरीफाई करने के लिए बोला जाए, सबसे पहले आपको एफ एक्स चाहिए होगा, आपने एफ एक्स निकालना है, फिर आपने निकालना है एफ ऑफ वाई, फिर आपने सेकेंड पार्शियल डेरिवेटिव एफ एक्स वाई निकालना है, पूरी कैलकुलेशन करनी है, और फिर आपने उसका आंसर को ए कह देना है, फिर एफ वाई एक्स निकालना है, उसके आंसर को बी कह देना है, और देखना है क्या ये आंसर्स मैच करके, अगर करके तो क्लोरस थ्योरम वेरीफाई हो गया। तो ये था आज का आर्टिकल क्लोरस थ्योरम के ऊपर। अगर आपको इसमें कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।